नागपुर शहर और नागपुर ग्रामीण से 2 साल के लिए तड़ीपार किए गए आरोपी ने हाथों में तलवार लेकर मोमिनपुरा में उत्पात मचाने वाले आरोपी सैयद शकील अली वल्द मोहम्मद अली बजरिया चौक निवासी को तहसील पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई जारी है। यदि नागपुर की बात करें तो यहाँ क्राइम कम ज्यादा बढ़ रहा है। खास तौर पर तड़ीपार किए गए आरोपी शहर में उत्पात मचा रहे हैं। जी हाँ, ऐसी एक घटना संतरा मार्केट रोड भोरा कॉम्प्लेक्स के पास बजीरिया का रहने वाला तड़ीपार आरोपी सैयद शकील अली वल्द मोहम्मद अली ने हाथों में तलवार लेकर आने जाने वालों को डरा धमका रहा था, जिससे परिसर के लोगों में दहशत थी। लोगों ने इसकी जानकारी तहसील पुलिस को दी। तहसील पुलिस के जाबाज जवानों ने उत्पात मचाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी को 2 साल के लिए नागपुर शहर और नागपुर ग्रामीण से तड़ीपार किया जा चुका है। फिर भी आरोपी ने पुलिस प्रशासन के आदेश का पालन न करते हुए हाथों में तलवार लेकर उत्पात मचा रहा है। इस घटना के बारे में तहसील के PI जयेश भंडारकर इन्होंने जानकारी दी। गणेशपेट सिटर सैयद शकील अली वल्द मोहम्मद अली 26 वर्ष याला नागपूर जिल्ह्यातून आणि नागपूर शहरमधून 2 वर्षाकरता हद्दपार केलेला आहे जानेवारी 20 मध्ये आणि त्याला विना परवानगीने परिसरात येता येत नाही। तरी तो 10/1/2020 सकाळी 8 वाजता MLC कॅन्टीनजवळ PSI स्वप्नील वाघ यांच्या पत्त्याला दिसून आला, म्हणून त्याला ताब्यात घेतले। त्याच्याजवळ एक तलवार सापडलेली आहे आणि हद्दपार फिरत असताना तो पोस्टे परिसरात मिळून आल्याने त्याच्यावर कलम 142 आणि त्याच्यासोबत आर्म ऍक्टची कारवाई त्याच्यावर करण्यात आली आहे। त्याला अटक करून त्याला विद्यमान कोर्टात सादर केलेला आहे। तो पोलीस स्टेशन गणेशपेठचा रेकॉर्ड गुन्हेगार आहे, त्याच्यावर बॉडी ऑफिसचे अनेक गुन्हे दाखल आहेत आणि म्हणूनच त्याला हद्दपार करण्यात आलेले होते। तो गणेशपेठ येथील रहिवासी आहे आणि त्याच्यावर गणेशपेठ पोलिसला अनेक गुन्हे दाखल आहेत। 9 तारखे रात्री मोमिनपुरा मोहम्मद अली सराय के सामने आरिफ अंसारी और उनके दोस्त जावेद अंसारी बैठे थे और उसी दरमियान वो MLC कैंटीन की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ निहाल अंसारी आजिम खान और सजाद खान बैठे थे। पुराने कुछ तुल्लक वादों से उनमें दो दो बातें हो गई और उसी ऊपर इसने आरिफ अंसारी ने निहाल अंसारी को पूछा, तो निहाल अंसारी ने जो वहाँ एक वीट पड़ी थी, वीट का टुकड़ा पड़ा था, उसको सर पे मारा और आजिम खान ने चाकू से उसके सर को मारा और सजाद ने जावेद अंसारी को मारा। पुलिस स्टेशन में प्रकरण आने के बाद उनका स्टेटमेंट लिए, उसके मेडिकल टेस्ट किए और तीनों आरोपी निहाल अंसारी आजिम खान और सजाद खान सब रहने वाले मोमिनपुर आहिम के ऊपर कलम 307 323 324 भादवी अन्य प्रकरण दर्ज किए हैं और उनको आगे का तपास चालू है। उसके सजाद खान और निहाल अंसारी के ऊपर कुछ 1-2 गुन्हे दाखिल है जो पुलिस के इस पे रिकॉर्ड में है। शहर के अधिकांश तड़ीपार गुंडे पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते लोगों के मन में जो तड़ीपार गुंडे का डर बना था वो कम होते दिखाई दे रहा है। यदि आपके परिसर में कोई तड़ीपार गुंडा उत्पात मचा रहा है तो आप पुलिस को उसकी जानकारी दे सकते हैं। कैमरा पर्सन विशाल बमटवार के साथ संजय मेरे BC News नागपुर।